दोस्तों शाहरुख खान यूएई गए थे। 11 नवंबर को उन्हें शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में हिस्सा लेना था। इवेंट से निपटने के बाद वो प्राइवेट चार्टर प्लेन से मुंबई लौट रहे थे। इन घड़ियों के लिए कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई गई थी, इसलिए शाहरुख खान को जुर्माने के तौर पर 6,83,000 रुपए चुकाने पड़े। जब तक ये सब चल रहा था तब तक उन्हें एयरपोर्ट पर रोक रखा गया। शारजा के एक्सपोज सेंटर में हुए इस इवेंट में शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव का अवार्ड दिया गया। इसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म से भी बातचीत की। इस इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अपने फिल्मों से लेकर फैमिली तक बात की। उनसे पूछा गया कि उन्हें इतना सफल देखकर उनके माता पिता कैसे रिएक्ट करते। जवाब में शाहरुख खान ने कहा, मुझे लगता है मेरी माँ सबसे पहले कहेंगी, तुम बहुत पतले हो गए हो, थोड़ा वजन बढ़ा लो, कैसा तुम्हारा मुंह हो गया है, अंदर अंदर तुम्हारे कल्ले यानी कि गाल अंदर चले गए हैं। मगर मुझे लगता है कि मेरे माता और पिता दोनों ही मुझे देखकर गर्व महसूस करते और इसे मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ। मैं अपने बच्चों को जैसे बड़ा किया उसे देखकर उन्हें बड़ी खुशी और प्राउड फील होता। मुझे लगता है वो लोग बहुत खुश होते। शाहरुख खान ने 2018 के बाद से किसी भी फिल्म में लीड रोल में काम नहीं किया और वो पठान से कमबैक कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी दिख जाएंगे। वैसे क्या आपने पठान का टीजर देखा? अगर देखा तो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट्स में दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।